तो हैंडसम, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 शूज जो कि आप अपने स्कूल में पहन सकते हैं, जिन्हें आप 1500 रुपए के अंदर अंदर आराम से खरीद भी लेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको शूज़ के नाम नहीं बताने वाला, बल्कि मैं उसका प्रैक्टिकल और वो शूज़ आपको दिखाऊंगा ताकि आप नाम के अंदर कन्फ्यूज ना हो जाओ। तो आज की वीडियो की बोनस टिप में हमेशा की तरह आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो एंड तक लास्ट में दिखेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो हैंडसम, सबसे पहले लिस्ट पर जो है वो है ब्लू शूज़। ये ब्लू शूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, जैसे कि हमारा जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज यूनिफॉर्म होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो हमारे यूनिफॉर्म के साथ ये सबसे बेस्ट पेयर होने वाला है। ब्लू कलर इसलिए क्योंकि ब्लू कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है देखने के लिए, और अगर आपकी यूनिफॉर्म के साथ ये पहना जाएगा तो ये अलग और नेचुरल लुक भी देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पैंट का कलर डार्क कलर है, यानी कि ब्लैक है या और कोई डार्क कलर है, तो आपको ये शूज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगने वाले हैं। इवन अगर आपके जो पैंट के कलर हैं वो लाइट कलर है, ग्रे कलर है फॉर एग्जाम्पल, तब भी ये आपकी पैंट पर बहुत ज़्यादा औसम लगने वाला है। लेकिन आपकी जो पैंट है वो वेल फिटेड होनी चाहिए, आपको ये शूज़ बहुत ज़्यादा औसम दिखाएगा। इसकी जो मेन पहचान है वो पता क्या है, आपको ऊपर से ब्लू कलर मिलेगा लेकिन एक कलर में होगा, ये इसमें ज़्यादा शेड नहीं होना चाहिए। ब्लू ऊपर से ब्लू और नीचे से होगा वाइट सोल, ये आपको काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आप स्कूल के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास ये पेयर लाजमी होना चाहिए। फिर दुनिया के दो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स की बात की जाए तो मेरे नज़रिए में रेड और वाइट से ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत कलर बहुत ही ज़्यादा औसम दिखते हैं, नज़र आते हैं, आपके बहुत ज़्यादा ये आई कैची कलर होते हैं, तो क्यों ना इन कलर्स को शूज़ में भी लेके आ जाए। जी हाँ, तो आपको नंबर 2 पर जो शूज़ चाहिए वो है ये रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा औसम दिखता है। वो जो ब्लू शूज़ थे वो आपको थोड़ी कूल वाली लुक देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बैड बॉय बनना है तो आपके लिए ये रेड शूज़ काफ़ी ज़्यादा औसम है। अगर आपके जो पैंट का कलर डार्क है तो ये काफ़ी ज़्यादा औसम लगने वाला है, लेकिन इवन अगर आपके जो शर्ट है, पैंट है, आपकी वो लाइट कलर है, तब आप इसे ना पहने, आप ब्लू को ही रेफर करें। ये लाइट पैंट के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन डार्क पैंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हमें एक डिसेंट लुक चाहिए, हमारे स्कूल वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो हमें कोई और शूज़ पहनने नहीं देते, तो आपको कुछ ऐसा शूज़ चूज़ करना है जो कि आपको क्लासी भी दिखाए, जो कि आपको अलग भी दिखाए, लेकिन आप वो रूल में भी रहें। तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होगी वो होगी ये ब्राउन स्नीकर। ये ब्राउन स्नीकर्स आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अलग दिखाने वाले हैं। ब्राउन कलर जो कि काफ़ी स्कूल और कॉलेज में शुगर कलर रखा जाता है, जो कि स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप ये स्नीकर्स पहन सकते हैं। ये ब्राउन कलर भी देगा और आपको वाइट कलर का शेप भी देगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा औसम दिखाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये शूज़ ले लेते हैं, अगर आपको ये कहीं से मिल जाता है, तो आपकी लुक काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा यूनिक नज़र आने वाले हैं। तो नंबर 4 पर हमारे शूज़ जो आते हैं वो मैं सबको प्रेफर करूँगा, आपकी ये चाहे 13+ है, चाहे 25+ है, लेकिन अगर आप कहीं भी ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या फिर आप कहीं स्कूल में जा रहे हैं, तो आपके पास ये लोफर्स की जोड़ी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोफर्स आपको हर हालत में क्लासी भी दिखाएंगे और आपको सेमी फॉर्मल भी बहुत अच्छा दिखाएंगे, आपको फॉर्मल लुक में भी बहुत ही अच्छा दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आपको ये 2 पेयर लाजमी खरीदने हैं। 2 पेयर्स में आपके पास एक ब्लैक और ब्राउन कलर का होना जरूरी है, आप और कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कलर है वो ये 2 कलर हैं, आपके पास इन दोनों कलर का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक दिखाएगा। फ्रेंड्स, अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक को हिट कर लें, ताकि आपको मेरी इन फ्यूचर में सारी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहे। तो हैंडसम, फाइनली बात आती है मेरे सबसे फेवरेट शूज़ की और बोनस टिप की। बोनस टिप में आपके लिए सरप्राइज है, वो ये है कि आपके पास कोई और शूज़ हो ना हो, आपके पास ये 2 पेयर लाजमी होने चाहिए। आपके पास ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन शूज़ लाजमी होना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा यूनिक दिखाता है और अलग दिखाता है। वैसे भी जो ब्लैक शूज़ है वो हमेशा से इन रहे हैं मार्केट में, ट्रेंड में, और वाइट शूज़ का क्या ही कहना है कि ये कभी भी ट्रेंड से नीचे उतरे ही नहीं है। तो हमेशा आपको इन दोनों पेयर का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है तो आप ब्लैक कलर ले लें और नीचे वाइट सोल ले लें। अगर आपको वाइट कलर पसंद है और ब्लैक में अगर आपको टच देना है, तो आप इसका एंड वाला या ये लाइन वाला डिज़ाइन ले सकते हैं, आपको काफ़ी अलग
अलग और यूनिक दिखाएगा। और अगर आपको इन दौर की आओ तो मेरे हर शूज़ के जो सोल हैं वो वाइट है, इवन वो कोई भी शूज़ हो कोई भी कलर का हो उसके जो सोल हैं वो वाइट ही हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे वाइट कलर का पर्सनली शूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने शूज़ के जो सोल हैं वो वाइट लाजमी रखता हूँ। ऊपर से डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ वो मायने नहीं रखता, तो मेरा सोल जो है वो मुझे वाइट टच भी दे देता है और ऊपर से कलर मुझे अलग यूनिक लुक भी देता है। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक मिलने वाली है। तो हैंडसम ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक एक कमेंट और आप एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।